हेलो हेलो हेलो, एक मिनट में आ रहा हूँ। आप स्टार्ट कर दूँ क्या? मैं और कोई आ रहा है या नहीं अभी? सर एक मिनट सर, अभी बताते हैं। चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर, दिख रही है। यस अच्छा, एक बार तो पहले ईमेल का देख लेते हैं। सर, आप लोग की ईमेल आईडी बनवा दी थी भैया ने? अच्छा, सर मेरी बनी हुई है पहले से। और बाकी गौरव की बनी हुई है। कल कौन? कल आप ही दोनों यस थे? सर। वो सर कल ना थोड़े और बच्चे, तो आज ना उनके मतलब उनका वाईफाई नहीं चल रहा है, इसलिए वो क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे। चलो ठीक है। तो फिर भैया तो मेरे को बोल रहे थे कि HTML सिखाने को थोड़ी सी। आपको HTML हल्का सा भी पता है क्या होती है? वेबसाइट या सर उसमें कोडिंग होती है, वेबसाइट। बनाते? अच्छा, HTML ना मतलब कोडिंग भी नहीं होती, HTML होती है। जैसे ये जो आपका पेज बना हुआ है, जैसे आपको गूगल दिख रहा होगा अभी, सर, तो यस सर। ये मतलब HTML में, CSS में, मतलब तीन लैंग्वेजेस होती है, तीनों को मिला के बनता है। HTML से आपके पेज पे आप क्या क्या डाल रहे हो, जैसे बटन है और ये स्क्रीन में मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें हैं वो डालती हैं। CSS में आप डिजाइन देते हो, और JavaScript से आप बताते हो कि ये बटन जो दबाने पे क्या करोगे आप, मतलब बटन दबाने से क्या होगा, वो सब आप CSS से डालते हो। ओके सर। तो HTML में मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। चलो मैं आपको दूसरी जगह से पढ़ा देता हूँ। जैसे अभी मैं आपको HTML में ये दिखा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन। तो HTML क्या होती है? पहले तो HTML की फुल फॉर्म होती है मार्कअप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लैंग्वेज। जैसे ये पेज में स्ट्रक्चर बताता है कि आपके पेज में क्या क्या है बेसिकली, जैसे ये सब HTML से डाला है। उसके बाद एलिमेंट्स, जैसे HTML में आप, एक तो ये बताना होता है आपको, ये जब आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो ना, जैसे HTML नोट पैड पे लिखना होता है आपको, HTML कुछ डालना नहीं होता है। जो आपके कंप्यूटर में नोट पैड होगा ना, यस उसमें लिखना होता है, या फिर कोई भी टेक्स्ट एडिटर जैसे होते हैं, जैसे विजुअल स्टूडियो वगैरह होते हैं, बट अभी आपको उनके बारे में ज्यादा पता नहीं होगा, तो नोट पैड में ही देखते हैं। तो जैसे आपने लिखा डॉक टाइप HTML, तो ये आपके जिससे भी, जैसे आपने गूगल क्रोम को बताएगा आपके कि HTML में लिखी हुई है आपकी फाइल, मतलब इसको पढ़ना है वो HTML फाइल की तरह पढ़ना है, क्योंकि नोट पैड में तो कोई भी तरीके की फाइल जा सकती है। ठीक है। उसके सर। बाद आप टैग्स होते हैं, एक होता है HTML टैग, मतलब
टैग्स क्या होते हैं, टैग्स के अंदर आप सामान स्टोर करते हो, मतलब जैसे HTML टैग के अंदर वो होगा जो आपकी पूरी HTML फाइल के अंदर होगा। ओके उसके सर। बाद दो और मेन टैग्स होते हैं, एक हेड टैग होता है और एक बॉडी टैग होता है। अच्छा, आप कोई भी टैग खोलते हो तो उस टैग को बंद करना होता है, और उसके बीच में जो आप लिखोगे, अब मैं इन दोनों टैग्स के बीच में जो लिखूंगा ये मेरे HTML फाइल के अंदर होगा। ऊपर टाइटल वाइटल लिखने के बाद सर। हाँ, मतलब यहाँ पे अब दो टैग होते हैं, एक होता है हेड टैग और एक होता है बॉडी टैग। आपको थोड़ी सी भी HTML आती है पहले से? हाँ, यस सर, पहले सीखी थी तो थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। अच्छा, और अभी कौन बोला? और आकाश। गौरव, आपको थोड़ी सी भी आती है? अच्छा, यस सर। यस तो आपको पता है ना अभी, मतलब जो सब मैं बता रहा हूँ। सर, थोड़ा थोड़ा पता है, फिर ऐसे रिवाइज भी होते रहेगा। पिछले साल पढ़ा था बुक में। चलो ठीक है, ठीक है। तो अब ये होते हैं, मतलब दो मेन टैग्स होते हैं। अब हेड टैग में आपकी वो चीजें आती हैं जो आपके HTML में, मतलब जो आपके दिखती नहीं है आपको, बट होती हैं, HTML में जरूरी होती हैं, जैसे जो ब्राउजर में दिखाने के लिए और वो सब। तो जैसे इसमें आप डाल सकते हो टाइटल, एक टाइटल टैग होता है। टाइटल टैग होता है के मतलब नाम से ही समझ जाओ, टाइटल देता है वो आपके उसको चीज को। तो जैसे मैंने अभी टाइटल टैग डाला और इसमें मैंने लिख दिया फर्स्ट पेज। तो अब मैं इसको अगर सेव करूंगा तो डेस्कटॉप पे कर देता हूँ। ये जब सेव करोगे ना, तो एक मिनट मैं आपके उससे कर देता हूँ। तो .html करके सेव करना है इसको, यहाँ पे देख रहे हो आप? यस तो इसको मैंने सेव किया। अब तो अब मैं इसे खोलूंगा। तो जो मैंने टाइटल दिया था ना यहाँ पे, ये सर। ऊपर आ गया, यस सर। इधर लिखा हुआ आ रहा है। दिख रहा है सर। चलो अब और चीजें देखते हैं। अब बॉडी टैग में आपकी वो चीजें आती हैं जिसमें, सॉरी, बॉडी टैग खुला हुआ है ना आपका, बॉडी टैग में आपकी वो चीजें आती हैं जो दिखती हैं। अब इसमें सबसे पहले आप पेज में डालते हो हेडिंग। तो मैंने दिया हेडिंग में आपकी 6 हेडिंग होती हैं। H1 होती है, मतलब H6 तक होती है। अभी इसके साइज में फर्क होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका ज्ञान कुंज। जाओ मैं इसको थोड़ा ठीक से फॉर्मेट कर लूँ। तो अब मैंने इसको सेव किया और मैं इसको यहाँ पे खोलूंगा। तो देखो आपकी हेडिंग आ गई ज्ञान कुंज। यस सर। अब इसके बाद आप पेज पे एक टैग होता है, को मुझे उसका शायद नाम याद नहीं है, मैं देख रहा हूँ एक बार। एक HR टैग होता है, इससे शायद आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है पेज पे। हाँ, ये मतलब आप
इस पेज को छोटा कर लो तो पेज के हिसाब से आपकी लाइन आ जाएगी पूरे पेज के अक्रॉस। तो अब हम पेज पे और क्या क्या डाल सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा था कि हेडिंग के साइजेस होते हैं। जैसे अगर मैंने इसको H2 कर दिया H1 की जगह, कोई आया है, हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैंने इसको H2 कर दिया अगर, तो ये जो हेडिंग है ये और छोटी हो जाएगी। अच्छा, मैं अभी रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो ये देखो ये छोटी हो गई थोड़ी। यस सर, अब ऐसे ही आप इस हेडिंग को H1 से H6 तक कितना भी कर सकते हो। H6 सबसे छोटी होती है। देखो और छोटी हो गई, मैंने गलती से कहीं और 6 लिख दिया। तो ये H6 इतनी छोटी होती है। ऐसी मतलब बहुत सारी होती है हेडिंग्स, मतलब 1 से 6 तक कोई भी नंबर दे सकते हो आप। अच्छा, अब हेडिंग के बाद एक पैराग्राफ टैग होता है आपका। अच्छा रुको, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो अब आपका एक पैराग्राफ टैग होता है, उसमें होता है पी टैग। अच्छा याद रखना, आप ये जो HR टैग था ना यहाँ पे, वो यस सर, मैंने नीचे कर दिया गलती से इसको। ये आपका एक लाइन दे रहा है, मतलब आपको इसके अंदर कुछ नहीं डालना, इसलिए इस टैग को बंद नहीं करना होता। मतलब ये टैग कुछ और चीज नहीं दे रहा ना पेज पे, मतलब इस लाइन के अंदर तो कुछ आ नहीं सकता। तो यस सर, इसलिए इसके वो होता है, ये मतलब इसको बंद नहीं करने की जरूरत होती। अब पैराग्राफ टैग के अंदर अगर मैं कुछ लिखूंगा, जैसे आपका नाम है आकाश और दूसरे, ओ सॉरी, एक का नाम है गौरव, तो ये दोनों आ जाएंगे इस पे, इसमें सर इस वेबसाइट पे जो मैंने बनाई है। अच्छा, ये भी याद रखना कि पैराग्राफ टैग में आप ये अगर कुछ भी लिख दो, अगर मैं यहाँ पे तीन चार जैसे नए नए पैराग्राफ में लिखा है, या फिर एक स्पेस दिया है, दो बार स्पेस दे दिया, इससे फर्क नहीं पड़ता है, मतलब वो हमेशा एक ही स्पेस मानेगा आपको। जैसे मैं अगर ऐसे लिख के सेव कर दूँ ना, तो भी ये ऐसे ही रहेगा। अगर मुझे नई लाइन में जाना है, तो मेरे को यहाँ पे वो डालना पड़ेगा BR टैग। BR टैग होता है लाइन ब्रेक, मतलब इसके बाद जो मैं लिखूंगा वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा। जैसे मेरा नाम हार्दिक है, तो मैंने लिखा, अब ये यहाँ पे देखो नेक्स्ट लाइन में आएगा। अच्छा, अब मैं पैराग्राफ टैग बता दिया मैंने आपको, बॉडी में आ गया, हेड आ गया। अब मैं आपको थोड़ा सा कलर वलर करना बता देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा फिर। तो आपको एक टैग होता है स्टाइल टैग, वो मतलब वैसे तो CSS में आता है, बट उसको HTML कोड में लिख सकते हैं हम। तो अब मेरे को अगर पूरे पेज को कलर करना है, तो मैं बॉडी टैग में डालूंगा स्टाइल इक्वल टू, और फिर ये ब्रैकेट खोलूंगा। अब मेरे को इसमें जो दो स्टाइल करना है, जैसे मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर, ये कलर में ये वाला आता है, स्पेलिंग देख लेना, और फिर कोलन लगा के लिख दूंगा। जैसे मैंने कुछ ये ब्लैक, तो मैंने ब्लैक लिख दिया अभी। तो अब मैं इसको सेव करके यहाँ पे करूंगा, तो पूरा ब्लैक हो जाएगा। अब मेरा टेक्स्ट भी काले रंग का है, तो वो टेक्स्ट नहीं दिख रहा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये, बट आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि दोनों चीजें ब्लैक कलर की हो गई हैं, वो उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना होता है। तो अब जैसे मैंने इस H1 में दे दिया स्टाइल इक्वल टू कलर, ओ हाँ, अब मेरे को टेक्स्ट का कलर देना है, तो मैं सिर्फ कलर लिखूंगा, क्योंकि H1 के अंदर टेक्स्ट है ना, तो वो टेक्स्ट का कलर हो जाएगा। सपोज मैंने ब्लू कर दिया इसको, तो अब ये ब्लू हो जाएगा। यस और P के अंदर अगर मुझे कलर देना है, यहाँ पे स्टाइल दूंगा मैं,
और इसका कलर कुछ भी मान लो। अच्छा स्टाइल इक्वल टू और फिर ऐसे ब्रैकेट में आता है कलर ग्रीन। तो मैं ये आप देख सकते हो ठीक है। और अच्छा मैं आपको वहीं से बताता हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें दी होंगी जो मेरे को ऐसे दिमाग में नहीं है कि क्या क्या सिखाना है। तो अब HTML एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट होता है जिसमें स्टार्ट टैग होता है, कंटेंट होता है और एंड टैग होता है। जैसे हम ऐसे टैग लिखते हैं ना, जैसे हमने यहाँ पे टैग नेम का मतलब है, जैसे बॉडी लिखा था, टाइटल लिखा था, और फिर जैसे H1 और पैराग्राफ ठीक है। अब वेब ब्राउजर्स होते हैं HTML के लिए, जैसे अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो HTML5 है, मतलब HTML का 5वां वर्जन है वो। तो अब वेब ब्राउजर आपके डॉक्यूमेंट को पढ़ता है, जैसे जो मेरा गूगल क्रोम है ना, ये मेरे HTML को उस टेक्स्ट फाइल को पढ़ के ये वेब पेज बना के दे रहा है मुझे, मतलब इससे ये चीज बना के दे रहा है मेरे को मेरा वेब ब्राउजर। अच्छा अब जैसे ये जो पेज है ये भी HTML बना होगा, जैसे मैंने ये ऐसे देखो इसमें बहुत बड़ा सा लिख रखा है उन्होंने, क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि आपको आती नहीं होगी, सब कुछ HTML में और बनता है मेनली। जैसे ये भी देखो डॉक टाइप HTML है, आपको किसी भी पेज का अगर देखना हो ना कोड तो आप उसमें ऐसे राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट क्लिक कर दो। इंस्पेक्ट ये लिखा है ना इंस्पेक्ट, या कंट्रोल शिफ्ट और आई एक साथ दबा दो, जैसे शॉर्टकट लिखा है तो ये आ जाता है कि वो कैसे बनी है सब कुछ। अरे वो कंप्यूटर के स्क्रीनशॉट के लिए कौन से शॉर्टकट की होती है? कंप्यूटर अगर आपको पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है, मतलब दो तरह के स्क्रीनशॉट होते हैं, एक होता है विंडो और प्रिंट स्क्रीन। इससे मैं स्क्रीनशॉट्स पे गया तो ये देखो पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट आ गया। यस और एक होता है, अच्छा सुन लिया ना, जो विंडो बटन होता है मतलब जिसमें चार ऐसे खिड़की सी बनी होती है वो, और प्रिंट स्क्रीन दिख रहा है आपको अपने कीबोर्ड पे? यस सर। ये दोनों एक साथ दबाने होते हैं तो आपका एक स्क्रीनशॉट होता है, और दूसरे तरीके का स्क्रीनशॉट होता है स्नाइप। ये देखो ऐसा ये चीज होती है ना, ये टूल होता है, जैसे अभी मैं दबाऊंगा शिफ्ट विंडो और एस तो मेरा ये टूल सा खुल गया। आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है ये टूल सा खुला हुआ? अब मैं इसमें ऐसे करके स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। हमें कितना लेना है? हाँ मतलब आपकी मर्जी है वो, आपको कितना लेना है विंडो कंट्रोल एस शिफ्ट और विंडो और एस। हाँ कंट्रोल नहीं होता, शिफ्ट होता है, विंडो और एस तीनों एक साथ। शिफ्ट विंडो एस उसके हिसाब से आपके फिर वो कॉपी हो जाता है अपने आप। जैसे मैंने ये किया और फिर मैंने ये किया तो अब ये कॉपी हो चुका है, अब इसको जहां पे भी पेस्ट करोगे तो वो फोटो पेस्ट हो जाएगी। देखो शेव टू क्लिप कोड आ रहा है। यस सर। अच्छा अब मैं HTML पे आ जाता हूँ वापस, आपको ऐसे और कुछ डाउट हो तो पूछते रहा करो, ये अच्छे होते हैं। तो अब मैं हाँ तो हम वहां थे, इससे पढ़ रहे थे ना। पेज स्ट्रक्चर में एक HTML टैग होता है, जैसे मैंने आपको बताया था हेड होता है, हेड में आप बहुत सारी चीजें डालते हो, जैसे डालते हो कि क्या क्या यूज करोगे आप और वो सब, बट वो अभी आपको उतना जरूरत नहीं है सीखने की, पहले बेसिक पेज बनाना सीख जाते हैं फिर वो सीखेंगे। उसके बाद ये बॉडी है, बॉडी टैग में ये सब होता है, मतलब पैराग्राफ डाल सकते हो, हेडिंग डाल सकते हो और भी चीजें होती हैं बॉडी टैग में। हाँ बॉडी के अंदर आप डालते हो जो आपके पेज में दिख रहा हो, जैसे ये जो नीचे की चीज है ना, इस यहां से नीचे इस कोने तक, मतलब जैसे मैंने ये बनाया ना, ये चीज जो बॉडी दिख रही है आपको, ये ज्ञान कुंज से लेके पूरा काला बैकग्राउंड और ये सब, ये आप बॉडी टैग में डालते हो। और सर कलर के लिए उसमें
HTML कलर के लिए आप नहीं, जो आपका टैग है ना, मैं आपको कोड दिखाता हूँ। कलर के लिए मैंने ये जो बॉडी टैग खोला ना जहाँ पे, ये देखो ये लाइन देखो, सर तो मैंने बॉडी टैग में डाल दिया बैकग्राउंड कलर ब्लैक, मतलब स्टाइल इक्वल टू करके डलता है। इसमें स्टाइल में और बहुत सारी चीजें होती है, मैं आपको बताऊंगा अभी धीरे धीरे करके, बट अभी ये देख लो इतना कि बॉडी में स्टाइल इक्वल टू आपने डाल दिया बैकग्राउंड कलर ब्लैक, और जैसे पैराग्राफ के अंदर आपने डाल दिया ग्रीन, और H1 को आपने ब्लू कर दिया यहाँ पे इतना, ऐसे मैंने कलर किया था। अब मैं आपको, अच्छा चलो अब हम जाते हैं बेसिक पे। तो एक आपको देना होता है डॉक्यूमेंट टाइप HTML, वो आपके बताता है कि आप HTML यूज कर रहे हो। और उसके बाद हेडिंग्स होती हैं जो मैंने आपको बताई थी, H1 H2 H3, कोई आया है मैंने एडमिट किया फिर वो चला गया वापस, आ गया। आसिफ है ना ये? यस यस सर। सर। आसिफ आपको HTML आती है थोड़ी सी भी? नहीं ओ चलो अभी तो मैंने, चलो मैं फिर से बता देता हूँ आपको। अच्छा आपको ईमेल आईडी बना, आप कल आए थे? चलो हाँ ठीक है, तो आपको ईमेल आईडी तो आती होगी। तो हाँ और मैंने एक स्क्रीनशॉट लेना बताया था, वो आपको पता है स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं लैपटॉप में या कंप्यूटर में? अच्छा नो तो गौरव आप उसको बताना है एक बार कि स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं। हाँ शिफ्ट विंडो एस दबा के। हाँ शिफ्ट विंडो एस। हाँ, मतलब दो तरह के स्क्रीनशॉट होते हैं, एक होता है जो आपकी पूरी स्क्रीन का ले लेता है, वो होता है विंडो और प्रिंट स्क्रीन। विंडो प्रिंट सर प्रिंट। हाँ विंडो प्रिंट, आपका कीबोर्ड अलग होगा, तो विंडो और प्रिंट दबाओगे तो आपका वो हो जाएगा, ओके मतलब पूरी स्क्रीन का ले लेगा। और एक होता है शिफ्ट विंडो है, उससे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कितने एरिया को लेना है। यस। चलो ठीक है, अब हम HTML पे थे, तो एक बार उसको फिर से बता देता हूँ मैं। तो जैसे मैं अभी HTML हम बना रहे थे, एक छोटा सा पेज बनाया हमने, ये है हमारा पेज, इसमें हम सबके नाम लिखे हैं। तो अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका HTML, आपको पता है क्या होती है? नहीं अच्छा रुको फिर बता रहा हूँ मैं। HTML आपकी लैंग्वेज होती है जो आपको ये वेब पेज बनाने में मदद करती है, मतलब जैसे ये वेबसाइट है ये HTML में बनी है, और जावास्क्रिप्ट और CSS भी दो लैंग्वेजेस और होती हैं जो इसमें यूज हुई हैं। तो अभी हम HTML सीख रहे हैं। HTML में आप ये बताते हो कि आपका पेज में क्या क्या होगा, मतलब ये जो बटन्स हैं ये HTML से आए हैं, और ये सब कुछ जो लिखा हुआ है वगैरह। अब इस बटन को क्लिक जो करने के बाद जो हुआ वो जावास्क्रिप्ट से आता है, वो आपको बाद में सिखाएंगे हम अगर टाइम मिला तो, बट अभी आप HTML ही देख लो इतना। तो अब HTML में सबसे पहली चीज होती है ये डॉक टाइप बताना होता है आपको। अच्छा इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, मैं आपको बताना भूल गया था। पहली चीज आपको जब आप HTML लिखना शुरू करते हो तो लिखनी होती है डॉक टाइप HTML, ये बताता है कि आपकी जो लिखा हुआ है आपने वो HTML में लिखा हुआ है। उसके बाद आता है, दो टैग होते हैं मेन, एक होता है हेड टैग और एक होता है बॉडी टैग। यस हेड टैग के अंदर आप चीजें लिखते हो जो आपके ब्राउजर में मतलब दिखती नहीं है इतने अच्छे से, मतलब आपके वेब पेज पे, बट वो होती हैं, जरूरी होती हैं। जैसे एक चीज होती है टाइटल, टाइटल से ये चीज आती है, जैसे मैंने ये बनाया है तो इसमें ये लिखा आ रहा है, फर्स्ट पेज दिख रहा है ऊपर हाँ वो है, ये टाइटल है आपके पेज का। अच्छा जब आप टैग कोई खोलते हो ना, जैसे मैंने यहाँ पे हेड टैग खोला है, उसके बाद आप
एक उसको बंद करते हो और बीच में लिखते हो कि हेड टैग के अंदर क्या क्या आएगा। जैसे मैंने ये टाइटल टैग खोला, इसमें लिखा कि फर्स्ट पेज आएगा इसके अंदर लिखा हुआ, फिर टाइटल टैग बंद किया। ओके उसके बाद हमने बॉडी टैग खोला अपना। बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले हमने दी हेडिंग। हेडिंग में छह तरह की हेडिंग होती है, H1, H2, H3, H4, H5, H6। ये बेसिकली साइज होते हैं, मतलब H1 सबसे बड़ी होती है, फिर अगर मैं इसको H2 कर दूं तो ये छोटी हो जाएगी। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये छोटी आएगी। अब ऐसे ही H6 सबसे छोटी होती है, H1 सबसे बड़ी होती है। उसके बाद मैंने बताया था कि पैराग्राफ एक टैग होता है, पैराग्राफ के अंदर वो आता है, जैसे आपको पैराग्राफ लिखना है अपने पेज के अंदर, जैसे ये लिखा है मैंने पैराग्राफ में, तो ये आता है आपके पैराग्राफ टैग में। उसके बाद हमने सीखा था, हाँ, जैसे आप पैराग्राफ टैग में जो लिखोगे ना, वो यहाँ पे अगर जैसे मैंने ज्यादा स्पेसेस डाल दी तो इससे फर्क नहीं पड़ता पैराग्राफ टैग को। मतलब अगर मैं इसको अभी सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये ऐसे ही आएगा। तो आपको अगली लाइन में जाने के लिए पैराग्राफ में ये br लिखना पड़ता है यहाँ पे। किसमें सर यहाँ br लिखना पड़ता है? रुको मैं दिखाता हूँ। अगली लाइन में जाने के लिए, अगली लाइन में अगर आपको जाना है ना, तो आपको यहाँ पे ऐसे एक br लिखना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है ना br, ये देख लो br, इससे अगली लाइन में चला जाएगा मेरा पैराग्राफ। ठीक है, अब आपका नाम आसिफ है ना? हाँ हाँ आसिफ, डबल ए आता है सिंगल ए? डबल ए। चल ठीक है, तो अब अगली लाइन में, ठीक है। तो अब और मैं बता रहा था कि जैसे हमने पेज को कलर दिया, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा बॉडी के अंदर अपनी, जहाँ पे मतलब जो बॉडी आपने ओपन की थी ना, बॉडी टैग अपना, क्योंकि पूरे पेज को कलर करना है आपको, तो आप लिखोगे स्टाइल इक्वल टू और फिर बैकग्राउंड कलर दे दिया आपने, या कुछ भी दे सकते हो इसको आप, बहुत सारे कलर के नाम होते हैं, जैसे पिंक दे सकते हो। सेव नहीं किया मैंने वो, पहले आप फाइल सेव करोगे तभी वहां पे चलेगा। ये पिंक आ गया, ऐसे मतलब कोई भी कलर दे सकते हो, बहुत सारे नाम होते हैं कलर के, वो आप सर्च कर लेना गूगल पे यहाँ पे के HTML कलर्स, तो फिर आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे यहाँ पे, क्या क्या कलर के नाम दे सकते हो आप, जैसे ऑरेंज दे सकते हो, ब्लू, ये वाला सी ग्रीन, और भी तरीके होते हैं कलर डालने के, वो आपको अपने आप पता चल जाएंगे जब आप करोगे। तो जैसे ऐसे भी आप कलर दे सकते हो, नंबर्स लिख के, हाँ मतलब आप गूगल पे सर्च कर लेना, वो आपको अपने आप बता देगा, आपको जो कलर चाहिए होगा उसका नाम सर्च कर लेना, वो आपको अपने आप दे देगा कि क्या लिखो। जैसे नॉर्मल डाउनलोड करें क्या, फिर से पूछना एक बार सर, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट सर, माइक्रोसॉफ्ट जैसे एक्सेल, पावर पॉइंट, ये ओ माइक्रोसॉफ्ट सर, एक्सेल एक्सेल आपके हो गया, पावर पॉइंट पहले से नहीं है आपके उसमें? तो ये तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे मिल जाएगा वैसे, बट शायद इसका वो नो आता सर, है। सेकंड हैंड लिया था ना, तो अच्छा वो आपको वैसे चाहिए, वैसे तो पेड है ना शायद वर्ड। मैं आपको लिंक भेज क्या दूंगा, सर? ओके सर, जैसे यहाँ पे अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे गया, आपके में है माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट स्टोर सर, मेरा विंडो पॉइंट 8.1 है। मैं आपको बता दूंगा, मुझे ऐसे 8 का याद नहीं है अभी,
मुझे नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना, मैं आपको बता दूंगा यार, देख के आऊंगा। जैसे सर मेरी वो माइक्रोसॉफ्ट क्या नाम, ऑफिस मेरी का विंडो ना सेटअप नहीं अभी होगा, माइक्रोसॉफ्ट क्या ऑफिस सेटअप का सेटअप। अभी मेरे पास पड़ा नहीं होगा, क्योंकि मेरे में शायद पहले से आया था ये। मैं आपको दे दूंगा नेक्स्ट क्लास तक, मुझे एक बार याद दिला देना। सर जैसा गूगल पे नहीं होगा, मिल जाएगा, मैं देख ही लेता हूँ। चलो जैसे इस वेबसाइट से कर सकते हो डाउनलोड, सर बट ये शायद पेड आता है कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो या तो मॉड डाउनलोड कर लेना। कौन सी सर? देख के बताना पड़ेगा, मेरे ना लैपटॉप के साथ फ्री आया था, तो मेरे को जरूरत नहीं पड़ी, बट वैसे डाउनलोड हो मेरी विंडो जाएगा। करप्ट होगी जनाब, वही सर। अच्छा, तो अभी मतलब थोड़े दिन के लिए तो इसी से डाउनलोड कर सकते हो आप, softonic.com पे मिल जाएगा या कहीं पे भी मिल जाएगा। जैसे गूगल पे सर्च करो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डाउनलोड और मिल जाएगा। कुछ मतलब गूगल पे सर्च कर लो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डाउनलोड है, जैसे पावर पॉइंट डाउनलोड ओके मिल जाएगा उसमें आपको। तो और कुछ पूछना है आपको? नो सर। तो मैं HTML आगे करता हूँ। चलो तो हम थे HTML में। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको, अब आपको हमने डाल दिया ये बैकग्राउंड कलर, देना सीख गए आप? यस हाँ, अब आप टेक्स्ट को भी बैकग्राउंड कलर दे सकते हो। जैसे मैं अगर यहाँ पे स्टाइल इक्वल टू में ही एक सेमी कोलन लगा देना, उसके बाद आप नई चीज दे सकते हो, जैसे बैकग्राउंड कलर देना है मेरे को। तो मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर, और फिर मैंने वापस लिख दिया ब्लू ही लिख दिया। चलो अभी के लिए, तो अब मैं अपने पेज पे जाऊंगा। तो ये वापस ब्लैक कर चुका हूं मैं। ये बैकग्राउंड कलर ऐसे डैश लगा के लिखते हैं, अभी मैंने किया तो ये ऐसे ब्लू दे देगा आपके पैराग्राफ को कलर। वो आपको कलर अपने हिसाब से दे देना कि आपका टेक्स्ट भी दिखना चाहिए अच्छे से और ये सब। हम एंड में एक पूरी छोटी सी बनाएंगे जिसमें हम सबका नाम होगा और वो सब होगा। ओके सर। अच्छा, अब और मैं आपको क्या बता सकता हूँ HTML का? चलो देखते हैं आप। यहाँ पे मैं गया बेसिक पे, तो बेसिक में तो आपका मैंने डॉक टाइप बता दिया था, मैंने आपको हेडिंग्स बता दी H1 H2 H3। जैसे ये जो है देखो, अब ये साइज देख लो एक बार हेडिंग के। हाँ, सर पैराग्राफ टैग बता दिया मैंने आपको, लिंक्स, अब लिंक्स बता देता हूँ। चलो, तो अब मैंने इसमें लिखा अपने बॉडी के अंदर ही, जैसे मैंने पैराग्राफ के बाहर चलो लिंक दे दिया एक, तो मैंने लिखा यहाँ पे ए, ए टैग होता है लिंक देने के लिए। अब इसे मैंने HREF के अंदर डाला जो मेरे को देना है, जैसे HTTPS www. सपोज गूगल लिख दिया मैंने, और उसके बाद मैंने इसको अंदर लिखा कि मेरे टैग के अंदर क्या लिखा आएगा, जैसे गूगल। फिर मैंने टैग बंद कर दिया।
टैग का नाम ए टैग है और एचआरएफ से जो लिंक खुलेगा वो है। अब मैंने इसको सेव किया, सेव मैं कंट्रोल एस से कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैं कंट्रोल एस दबा रहा हूँ तो ये सेव हो जा रहा है। अच्छा आप कुछ लिखोगे सपोज इसमें तो आपको यहां से पता चल जाएगा, जैसे अभी ये जो स्टार आ रहा है ना यहाँ पे बना हुआ ज्ञान कुंज से पहले, यस सर। इस स्टार से आपको पता चल जाएगा कि अभी सेव नहीं हो गई, तो फिर मैं कंट्रोल एस दबाया तो ये स्टार हट गया, मतलब सेव हो गई है ये फाइल। अब मैं गया अपने पेज पे और मैंने उसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश के लिए होता है F5 है आपके कीबोर्ड में, उससे रिफ्रेश हो जाता है। यस सर। हाँ तो F5 से रिफ्रेश होता है आपका गूगल पे पेज। अब मैंने इस पे क्लिक किया तो देखो गूगल खुल गया। अच्छा मैं वापस खोला अपना ये ज्ञान कुंज, तो अब मैंने आपको लिंक डालना सिखा दिया। और क्या क्या डाल सकते हैं अपने पेज पे को देखते हैं, इमेजेस डाल सकते हैं, आपको फोटो डालनी है अपने पेज पे। तो मैं गया यहाँ पे ऐसे टैग होता है IMG खोला आपने, उसके बाद आपने डाल दिया कि उसमें आपको क्या इमेज डालनी है। जैसे मैंने ये ट्राई टॉस इन्हीं के उस पर देख लेते हैं। सॉरी एक मिनट मेरा स्क्रीन हिल गई थोड़ी। हाँ तो ये देखो हमने ऐसे ये लिखा हुआ है, तो इससे हमें सोर्स में आपका आता है कि आपको इमेज का लिंक, और अगर आपकी इमेज का लिंक में मतलब जैसे बहुत बार होता है कि आपने यहाँ पे कुछ लिखा बट वो खुली नहीं इमेज आपकी, तो जो आप इसके अंदर लिखोगे ना वो लिखा आ जाएगा। जैसे मैंने इसको हटा ही दिया मान लो, तो ये लिखा आ गया W3Schools.com जो आपने ऑल्ट में लिखा हुआ है। अब मैं इसमें कोई भी इमेज डाल सकता हूँ, रुको मैं एक बार इसको अपने पे ही दिखा देता हूँ आपको। मैं इसको अभी ऐसे पैराग्राफ के नीचे लिख रहा हूँ, चलो लिंक के नीचे लिख देता हूँ। इमेज टैग भी बंद नहीं होता क्योंकि ये सिर्फ एक फोटो होती है ना। तो अब मैं सोर्स यस में सर। सपोज मैं गया गूगल पे और मैंने लिखा इमेजेस, तो जैसे मैंने कोई ये वाली फोटो डालनी है मेरे पेज पे, तो मैंने इसको यहाँ पे किया कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है, इमेज इमेज कॉपी मत करना, इमेज एड्रेस कॉपी करना। फिर आपने यहाँ पे SRC में अपना इमेज एड्रेस डाल दिया। तो अब मैं इसको सेव करूंगा और अब मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा तो मेरे यहाँ पे इमेज आ जाएगी वो वाली, दिख रही है आपको इमेज। यस सर। यस। अब आप इमेज में अपनी हाइट और विड्थ एडजस्ट कर सकते हो ऐसे लिख के वहां पे, जैसे ये जो मेरा इमेज टैग है इसे मैंने लिख दिया, इसमें हाइट और विड्थ लिख लिखी है ना, जैसे यहाँ पे मैंने ये हटा दी अगर तो वो अपने आप दे देगा, मतलब जो इमेज की ओरिजिनल हाइट और विड्थ होगी वो आ जाएगी। जैसे अब मैंने उस पेज को रिफ्रेश किया अपने, तो ये असली में ये इतनी बड़ी इमेज है, तो ये पूरी इमेज आ गई और इसके नीचे अपना वापस गूगल वाला टैग आ गया जो मैंने डाल रखा था लिंक गूगल खोलने के लिए। तो अच्छा, और अगर आप हाइट और विड्थ में से एक ही चीज लिखोगे ना तो वो दूसरी अपने आप एडजस्ट कर लेगा। जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ विड्थ दे रख, चलो सिर्फ हाइट दे रखी है, तो वो विड्थ हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। जैसे अब मैंने किया तो ये हाइट के हिसाब से विड्थ आ गई। अच्छा अब इमेज डालनी सीख गए हम, लिंक डालना सीख गए पेज पे, एक्स देना सीख गए, कलर देना सीख गए। अच्छा अब हमें और क्या क्या आता है, अच्छा और जैसे आपको इमेज में अपने लैपटॉप की कोई इमेज डालनी है, अगर जैसे मेरे को ये स्क्रीनशॉट डालना है तो मुझे इसका पूरा वो करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ गया प्रॉपर्टीज पे और ये वाला जो पाथ है ना लोकेशन, यस इसके साथ ये डालना पड़ेगा, मतलब
जैसे मैंने ये हटाया और अब इसके अंदर मैंने लिख दिया जो मेरी फाइल का नाम है, इसे स्क्रीनशॉट 30 है उसका नाम अभी। तो अभी स्क्रीनशॉट 30 डाल देगा मेरे पेज में। पेज को रिफ्रेश किया, देखो अभी ये खुल नहीं रही मेरी इमेज। किसी रीजन से घर ये हटा कर देखता हूँ। वो मेरी इमेज पढ़ नहीं पा रहा है। अच्छा अभी आप गूगल से इमेज डालना तो सीख गए हो ना। इमेज एड्रेस कॉपी करके डाल दिया, अब वैसे ही वो वाली इमेज भी डल जाती है। मैं कुछ दिक्कत आ रही है, अभी मैं कोई और इमेज डाल के देख लेता हूँ। हाँ अरे HTML में ये चीज याद रखना कि केस सेंसिटिव नहीं होती। केस सेंसिटिव मतलब पता है आपको क्या होता है? नहीं। केस मतलब होता है जैसे अपर केस का मतलब होता है कैपिटल पी, मतलब अगर मैं यहाँ पे स्मॉल पी की जगह कैपिटल पी लिख दूँ तो फर्क नहीं पड़ेगा। बस यही मतलब होता है केस सेंसिटिव का, मतलब होता है कि कैपिटल और स्मॉल में फर्क नहीं है। जैसे पी में तो चलो समझ नहीं आएगा, एच है जैसे, तो इन दोनों एच में फर्क नहीं है। मतलब पैराग्राफ में आएगा, पर वैसे जैसे आप बॉडी लिख रहे हो यहाँ पे, ये पी लिख रहे हो, इमेज लिख रहे हो, इन सब में फर्क नहीं आएगा। और अगर केस सेंसिटिव है तो आएगा, और नॉट केस सेंसिटिव मतलब है नहीं आएगा, मतलब HTML में नहीं आता फर्क, पर वैसे आएगा। बहुत सारी चीजों में समझ आया, मतलब जैसे ये जो चीज है इन दोनों का मतलब इसमें सेम है। यस सर। तो अब और चीजें होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। सोर्स एक चीज, सोर्स में आप डालते हो कि आपको क्या डालना है। ओ समझ गया मैं, क्यों नहीं आई थी मेरी फोटो, पूरी फाइल का नाम लिखना था। तो हम थे इस पे, अब इसमें हाइट और विड्थ देनी सीख गए हम। ऑल्ट में आता है जैसे आपकी इमेज डिस्प्ले नहीं हुई तो मैंने ऑल्ट डाल रखा है। सपोज तो अगर मेरी इमेज डिस्प्ले नहीं हुई और मैंने यहाँ पे दे रखा है ऑल्ट टैग, एक जैसे ऑल्ट में दे रखा है स्क्रीनशॉट, तो अब ये अगर मेरी इमेज नहीं दिखती है तो वो स्क्रीनशॉट लिखा आ जाएगा वहां पे। अभी वो ब्लैक कलर में लिखा आ रहा है, मुझे पेज का कलर चेंज कर देता हूँ एक बार ताकि आपको सब चीज दिख जाए। जैसे अभी इसको कुछ कर देते हैं, क्या कलर करूँ, पिंक कर देता हूँ। तो जैसे यहाँ स्क्रीनशॉट लिखा आ जाएगा अगर आपकी इमेज नहीं खुली तो। ऑल्ट मतलब होता है जैसे ऑल्टरनेट। अच्छा अब आज क्या क्या सीख लिया अभी आपने? डॉक टाइप देना सीख लिया, हेड सीख गए, बॉडी, बैकग्राउंड कलर, हाँ बैकग्राउंड कलर, अच्छा टेक्स्ट और कलर, टेक्स्ट कलर देना सीख गए, और पेज मतलब टाइटल देना सीख गए, जैसे ये जो फर्स्ट पेज लिखा रहा है ना यहाँ पे। अब हम एक इमेज बार बस डालना, इमेज डालना सीख गए, ठीक है। बैकग्राउंड में भी चीजें डाल सकते। अच्छा वो चलो अगली क्लास में बताते हैं, अभी एक
हम अभी थोड़ी एक वेबसाइट बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद टाइम बचा तो और चीजें देखेंगे। तो अब हमने बनाई, हेडिंग है आपकी ज्ञान कुंज स्टूडेंट्स। अब आपके बारे में हम एक एक पैराग्राफ लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देंगे हेडिंग। अब जैसे मैंने ऊपर एक हेडिंग बड़ी दे रखी थी H1, तो मैं नीचे H2 दे दी ताकि वो थोड़ा पेज के हिसाब से आता है। इसके बाद मैं दूंगा पैराग्राफ। अब आकाश अपने बारे में कुछ बताओ। मैं आका अच्छा, अपनी बस हॉबीज वगैरह ही बता दो। सर टाइपिंग करना पसंद है कंप्यूटर पर, वैसे डांसिंग। ऐसे हॉबीज, और एक मिनट पहले लिख लेते हैं नेम। आकाश, अब मैंने यहाँ पे दे दिया BR टैग, क्योंकि मैं स्पेस मतलब ऐसे मैं नेक्स्ट लाइन में जाऊंगा तो कुछ होगा नहीं उसमें, वो एक स्पेस दे के लिखेगा। क्लास 10 पे होना आप। अच्छा, BR टैग और HR टैग समझ आया आपको? यस सर, यस सर। ठीक है, अब हॉबीज लिखते हैं। एक तो दिया डांस, और क्या था, टाइपिंग। चलो अभी दो ही हॉबीज लिख लेते हैं। एक मिनट रुकना। हाँ, तो हम कहाँ थे? तो मैं एक वेबसाइट बना रहे थे ना, तो अब हमने ये आकाश का बन गया। अब मैं इसको सेव किया तो ये खोला मैंने। यस सर। तो जैसे ये आकाश, नेम, क्लास, हॉबीज आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखो मैंने BR टैग नहीं डाला था, तो यहीं से शुरू हो गया गौरव वगैरह। यस अब और चीजें लिखते हैं एक बार, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। सर बोलो। अच्छा सर 2 बजे क्लास खत्म कर सकते हैं? चलो ठीक है, फिर वेबसाइट हम लोग थोड़ी नेक्स्ट टाइम बना लेंगे। 2 सर ये वाली बनाकर। 2 बजने में तो 2 मिनट है ना। चलो ठीक है, बन जाएगी। मैंने ऐसे ही जल्दी से कॉपी करके अच्छा ये देख लेना, अगर मैं नया पैराग्राफ शुरू करता हूँ ना तो वो नेक्स्ट लाइन में आएगा अपने आप, क्योंकि वो अगला पैराग्राफ है। यस जैसे अब मैं इसको सेव किया ना, तो अब मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करूंगा तो ये अपने आप नई नई लाइंस में आ रहा है। एक बार मैं जल्दी से इसको भी कॉपी पेस्ट कर लूँ। कॉपी पेस्ट करना आता है ना आपको? अच्छा, आकाश हो गया, अब दूसरा था गौरव।
गौरव स्पेलिंग सही है ना? कुछ दिक्कत हो तो बता देना। गौरव अपनी हॉबीज बता दो। होती है प्लेइंग फुटबॉल और लिसनिंग म्यूजिक। फुटबॉल, म्यूजिक, ठीक है। और आसिफ, आसिफ है कॉल पे अभी? हाँ चलो आसिफ अपनी आप भी दो हॉबीज बता दो। क्रिकेट खेलना और फुटबॉल खेलना। फुटबॉल, मैंने सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश किया तो ये देखो, ये हमारी एक वेबसाइट जैसी कुछ बन गई। यस तो अभी के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसको सर हम अपने फोन में खोल सकते हैं। नहीं ये मतलब अगर मैंने अपने लैपटॉप में लिखा है ना तो ये अपने ही मेरे ही लैपटॉप में रहेगी। वो और चीजें होती हैं जैसे आपको ना गूगल मतलब खरीदनी पड़ती है ये, जैसे ये मैंने खोली हुई है ना वेबसाइट जो आपके फोन में भी खुल जाती है, इन लोगों ने स्पेस खरीद रखी है। ये बाय करके। मतलब ओके सर। ऑनलाइन डालना ऐसे नहीं आता, मतलब तरीके होते हैं डालने के, बट अभी ये जो आप फाइल सेव करोगे ये आपके फोन अपने उसमें रहेगी। जैसे मैं आपको ये HTML फाइल भेज दूंगा ना अगर, तो आप अपने फोन में खोल सकते हो, बट आपके फोन में ये कोड होना चाहिए उसके लिए। ओके सर। तो मतलब मैं कहना ही चाहता हूँ कि आप इसको गूगल सर्च करके नहीं मिलेगी आपको ये चीज, यस सर। ठीक है? अब एक बार ना चलो वो कर लेते हैं, मैं एक बार अपनी वीडियो ऑन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है। चलो ठीक है, थैंक यू। नमस्ते सर। थैंक यू सर। ठीक है, अब आप लीव कर सकते हो।